भाई हर वेंसडे आपको इंतजार रहता है पीके जी का, क्योंकि रियल एस्टेट का कोई सवाल पीके सबरवाल, पीके जी को आप कांटेक्ट करते हैं और अपने सारे रियल एस्टेट के सवाल आप पूछ लेते हैं। तो भाई आप पीके जी हमारे साथ शो में जुड़ गए हैं। स्टूडियो का नंबर आपको मैं बता रही हूँ 9052269109, 9052269109। तो भाई अगर आपका कोई सवाल है तो बिल्कुल इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले स्वागत करते हैं पीके जी का। पीके जी, ऑन बिहाफ ऑफ वाई मीडिया, आई वेलकम यू ऑन द शो। थैंक यू वेरी मच माही, एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल अवर लिसनर्स। जी माही जी, गुड आफ्टरनून पीके जी। पहली बात तो आप इतने टाइम के बाद आए हैं, तो वेलकम बैक। थैंक यू वेरी मच। दो हफ्ते, दो वेडनेसडे मिस किए और मैं वहां बैठा हुआ भी मिस कर रहा था, तो मेरी वाइफ ने मेरे को बोला कि तुम ऐसे करो, तुम वहीं चले जाओ। तो मेरे को फिर उसने दूसरी सलाह दी मेरी वाइफ ने कि देखो ऐसे करते हैं, तुम ऐसे प्रोग्राम बनाया करो चार पांच दिन के लिए कि आप थर्सडे को निकल जाया करो और ट्यूजडे को वापस चले जाया करो, ताकि वेडनेसडे मिस ना करो। जी जी जी। तो मैंने कहा ये बड़ा ग्रेट आइडिया है, ठीक है ना, पैसे भी बचेंगे वेकेशन से, और छोटा वेकेशन होगा और अपने मैं लिसनर्स को मिस भी नहीं करूंगा। जी बिल्कुल, और लिसनर्स ने भी आपको बहुत मिस किया, और आपकी एब्सेंस में भी मुझे कॉल्स आते थे कि पीके जी कब आएंगे, तो मैं उन्हें यही बताती थी कि बस वेकेशन पे गए, आने वाले पीके जी। अच्छा पीके जी, शो की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं मार्केट की। मार्केट किस तरफ जा रही है, थोड़ा बताइए जी। मार्केट जो है देखो, प्राइस तो कम रहे हैं, पर कम हो रहे हैं अभी भी। ब्रेब की भी, ब्रेमटन रिजल्ट बोर्ड की भी आज ही रिपोर्ट आई है, बल्कि अभी थोड़ी देर पहले। और प्लस बाकी मार्केट की सिचुएशन भी है कि प्राइस गिर रहे हैं, पर गिरने की रफ्तार बहुत जबरदस्त कम हो चुकी है। ये बहुत बड़ा एक गुड साइन है। लेकिन हमें ये लगता है कि जो मार्केट जो इस वक्त बैलेंस्ड बनी हुई है, लोग कहते हैं जी बायर्स मार्केट, नहीं मैं इसको नहीं कहूंगा अभी तक बायर्स। यस, इट्स टिल्टिंग टुवर्ड्स द बायर्स मार्केट, बट स्टिल इट इज ए बैलेंस्ड मार्केट। ये आरबीसी की भी यही रिपोर्ट कह रही है, बीमो ने भी यही रिपोर्ट दी है, बाकी इकोनॉमिस्ट भी यही बात कह रहे हैं कि स्टिल इट इज ए बैलेंस्ड मार्केट, नॉट ट्रीटेड टुवर्ड्स द बायर्स, इट्स ए बैलेंस्ड मार्केट। यस, कूलिंग इफेक्ट है, लेकिन अब ये मानना है कि जिस हिसाब से ये मार्केट चल रही है, अब लगता है कि ज्यादा लंबा चलने वाली ऐसी नहीं है। और दो चार महीने के, दो तीन महीने के अंदर अंदर ये एक संभल जाएगी। यानी कि मैं एक सलाह देना चाहता हूं अपने लिसनर्स को, जो बाय कर रहे हैं वो कर ली वेट आपने बहुत, मार्च अप्रैल मई जून चार महीने, बल्कि जुलाई का भी पूरा महीना निकल गया, पांच महीने। अब यस, गिर सकती है 1-2%, 1.5-2% गिर सकती है, पर ये इतनी छोटा गिरना है कि आपके हाथ से अपॉर्चुनिटी ना निकल जाए। अब आपके हाथ में चॉइस है, सोच समझ के घर ले सकते हो, छांट के ले सकते हो, अपनी मर्जी का ले सकते हो। जब मार्केट हिलती है या मार्केट जब हॉट की तरफ जाती है, तो आपकी चॉइस बहुत कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। तो उसके बाद फिर आप मन मार के घर ले लेते हैं, उसको एडजस्टमेंट कहते हैं कि चलो जी, चलो यहीं पर एडजस्ट कर लेते हैं अपने आप को। वो चीज में जाने से पहले, नाउ इज द राइट टाइम टू हैमर। अब आप अपनी मर्जी का घर देखना शुरू सीरियसली कर दीजिए, 1-2% की परवाह मत करिए, क्योंकि आपकी चॉइस आपके हाथ से निकल जाएगी। देखिए, बहुत बड़ी रिपोर्ट आई है अभी इसकी भी, आरबीसी की भी बहुत बड़ी रिपोर्ट आई है, और उन्होंने भी ये बात बड़ी क्लियर कह दी है कि आप देख लीजिएगा कि मार्केट जो है रिकवरी में चली जाएगी। रिकवरी में, मैं तो रुकने की बात कर रहा हूं, वो रिकवरी की बात कर रहे हैं। 2023 के फर्स्ट क्वार्टर में रिकवरी स्टार्ट हो जाएगी। अब रिकवरी स्टार्ट हो जाएगी, मैं रुकने की बात कर रहा हूं कि ये 2-3 महीने में मार्केट रुक जाएगी। तो अभी आपको स्टेप लेना चाहिए, जब रिकवरी शुरू होती है तो फिर ये सैलरी की तरफ मार्केट चली जाती है। हालांकि सैलरी की तरफ जाएगी नहीं कुछ कई महीने, एक एक साल, लेकिन जब रिकवरी शुरू होती है तो नेचुरली पलड़ा भारी सेलर्स का हो जाता है। इन्होंने ये भी रिपोर्ट में कहा है, जिसमें टीजी बैंक भी शामिल है, कि 19% जो पीक था उससे 19% नीचे तक जाने की उम्मीद है। यानी कि हम बहुत क्लोज 19 के पहुंच चुके हैं ऑलरेडी, कई एरिया में तो बल्कि आप 21 तक जा चुके हैं ना। ये एवरेज की बात कर रहे हैं, नेशनल हाउसिंग की एवरेज बात कर रहे हैं। टीजी ने तो खैर इसके अंदर ओंटेरियो की बात करी है सिर्फ, लेकिन आरबीसी ने तो पूरे नेशन की बात करी है। तो यानी कि जब रिकवरी में जा रहा है फर्स्ट क्वार्टर में, तो आपको वहां तक वेट नहीं करनी, ये मेरा मानना है। जी
जी पीके जी, और सारे लिसनर्स को बता दें कि अगर आपके भी कुछ सवाल हैं तो आप स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं। स्टूडियो का नंबर है 9052269109 9052269109। एंड पीके जी, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया कि मार्केट का हाल क्या है, लेकिन इंटरेस्ट रेट जो बढ़ा है, अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आगे ये और कितना बढ़ेगा? देखो जी, मैं बड़ा छोटा सा इंसान हूँ, मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मेरे मन में था, मैंने सुबह के शो में भी मैंने बात कही थी कि मुझे अब लगता है कि बैंक ऑफ कैनेडा ने देख लिया, इंटरेस्ट रेट को जितना झटके से बढ़ाना था बढ़ा दिया। उन्होंने यहां तक भी, मैकलन साहब ने कहा था कि मेरे को रिसेशन की भी उम्मीद है, उसके लिए भी मैं तैयार बैठा हुआ हूं। रिसेशन लाने में कोई इतराज नहीं होगा, लेकिन मैं इन्फ्लेशन को, ये व्हाइट एलिफेंट सिटिंग इन द रूम, इसको मैंने रोकना है। तो मेरा भी ये मानना है, देखो गैस प्राइसेस नीचे आने शुरू हो गए, गैस प्राइसेस $2 क्रॉस कर चुके थे, अब 1.72, 1.73, 1.76 के आसपास आ चुके हैं। तो अब और इन्फ्लेशन जो 8.1% है, उसके अंदर बहुत बड़ा हाथ गैस का है। 54% जो गैस के प्राइस बढ़े, अगर सिर्फ गैस के प्राइस हटा दिए जाएं, तो हमारा इन्फ्लेशन 8.1% से कम होकर 6.5% रह जाता है। तो जो कि बाकी कंट्रीज से बहुत, 8.1 भी बाकी कंट्रीज का यूके यूएसए से बहुत कम है। तो मेरा ये मानना है कि ये 7 सितंबर को अब जो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, बढ़ेगा जरूर बढ़ेगा, पर वो लास्ट बढ़ेगा। मेरा मन कहता है 90% चांसेस है 50 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा 7 सितंबर को, नहीं तो 0.75 के 10% चांस है, 90% चांस है 50 बेसिस पॉइंट के, और ये रेट लास्ट बढ़ेगा क्योंकि मार्केट संभलनी शुरू हो गई है, मार्केट रुकनी शुरू हो गई है, जॉब आनी शुरू हो गई है, गैस प्राइसेस गिरने शुरू हो गए हैं, यूके और यूएस एंड यूक्रेन का झगड़ा ठंडा होता नजर आ रहा है। अपना शक्ल बचाने के लिए ना एक फैसला होता है, थर्ड स्टेज होती है वॉर की। पहली स्टेज क्या होती है? अग्रेशन, लड़ाई, में ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। जब दोनों के सांस फूलने शुरू होते हैं दो बंदों के आपस में, तो फिर उनके मुक्केबाजी धीरे धीरे शुरू हो जाती है, धीरे धीरे वो दिखावे के लिए हाथ घुमा रहे होते हैं, यही ये कंट्रियां कर रही हैं आपस में। पर थर्ड स्टेज पता क्या होती है? देख लूंगा, मैं देख लूंगा करके दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। गलत तो नहीं कह रहा मैं ये बात, ठीक है ना? सांस चढ़ जाती है। तो अब इनका थर्ड स्टेज आने वाली है, जब पुतिन साहब कहेंगे कि देखा मैंने ये अचीव कर लिया, और वो हंसकी साहब कहेंगे उनके प्रेसिडेंट कि देखा मैंने ये अचीव कर लिया, वो स्टेज आएगी, वो दूर नहीं है। तो ये सब कुछ रुकने वाला है। मेरे हिसाब से लास्ट स्टेज है 7 सितंबर। बहुत कोई अनहोनी होगी तो शायद उसका अक्टूबर में बढ़ जाए, लेकिन मेरा मन कहता है कि ये 7 सितंबर को लास्ट इंटरेस्ट बढ़ रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ये मानती है और बैंक ऑफ कैनेडा भी ये मानता है कि इंटरेस्ट रेट ही काफी नहीं है इन्फ्लेशन को रोकने के लिए, और बहुत कुछ है, पूरा ग्लोबल फैक्टर्स है, जैसे मैंने अभी बताया यूक्रेन और उसकी वार, सप्लाई डिस्ट्रप्शन बहुत जबरदस्त है, उसके बाद प्राइस प्रेशर्स, ये वो बहुत कुछ है इसके अंदर, एम्प्लॉयमेंट है, बहुत कुछ इसके अंदर आ जाता है। आप देखिए ना, रेंट 17% इंटरेस्ट बढ़ गया, अब एक आम आदमी क्या करेगा? जब 2000 किराया देता था, उसका 2300 से ऊपर किराया चला गया एक साल के अंदर, वो बेचारा क्या करेगा? तो ये इंटरेस्ट रेट जो आपने क्वेश्चन किया, मेरे हिसाब से सितंबर में लास्ट है और ये मार्केट रुकेगी, ये मेरा मानना है। और ये कई इकोनॉमिस्ट इस बात को कह रहे हैं, जो इसका पीक जो है बैंक रेट का जो पीक ऐसी है। हाँ, जब मैं सुबह कह रहा था, दोपहर को CIBC की रिपोर्ट आ गई कि वो कह रहे हैं कि पीक विल बी 3.25%। ये मैं बात कर रहा हूँ ओवरनाइट रेट की बात कर रहा हूँ, मैं बैंक की बात नहीं कर रहा। जो ओवरनाइट है वो इसका 2.5 है, अगर 0.75 बढ़ेगा तो वो 3.25, ये भी 3.25 ही कह रहे हैं। ये आज दोपहर की रिपोर्ट है इनकी, जो उसका नाम लड़की का बड़ा टफ सा है, इकोनॉमिस्ट है कैरिन, वैसे तो फर्स्ट नेम है उसका, लास्ट नेम चौर बन यू, सबके मैं बोलता ही नहीं, मेरे से बोला ही नहीं जाएगा। तो कैरिन जो है उसने भी अपनी रिपोर्ट में कहा, और मैं इस बात से सहमत हूँ। जी 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 भाई जी, पीके जी, और हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़े हैं, आप ऑन एयर हैं जी, अपना सवाल पूछ लीजिए। जी पीके सबरवाल जी, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच सर। कौन सा बोल रहे हैं सर? मैं सुफियान बोल रहा हूँ जी। सुफियान जी,
जी हैदराबाद पहले भी बात हुई थी। जी 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 बिल्कुल 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 जी। आप लोग जब हैदराबाद बोलते हैं मेरे को मेरी बचपन की गलियां याद दिलवा देते हैं। जी जी सुफियान साहब मैं बड़ा फैन हो गया अग्रवाल जी आपका बड़ा फैन हो गया। अच्छा जी थैंक यू वेरी मच सर। किस बात से सर कुछ जो मार्केट का हाल आपने आज एक साल पहले जो आपने मार्केट का हाल बताया था जी लोगों को समझाया था जी वही हो गया फिर भी लोग अपनी बर्बादी की तरफ गए और सामने रिजल्ट सात पहले मैं कह रहा था संभल के चलो बिल्कुल झटका लगने वाला है अपने आप को संभालो नहीं तो रुक नहीं पाओगे। अब जिन लोगों ने नहीं संभाला वो दुखी हो रहे हैं। रोज मेरे को 5-7 कॉल आती है डेली कि मैंने घर बेचना है। कोई कहता है 4 महीने पहले खरीदा था कोई कहता है 1 साल पहले खरीदा था कोई कहता है 2 महीने पहले खरीदा था कहते जी गलती हो गई। और वो क्यों गलती हो रही है क्यों अब वो घाटे में बेचेंगे जिन्होंने 4-5 महीने पहले खरीदा था वो बहुत घाटे में बेचेंगे और इस बात का बहुत मुझे दुख है सर। मैं 1 साल से भी ज्यादा से 1.5 साल से 1 साल से कह रहा था कि अब रुक जाओ अब ये हालात खराब होने वाले हैं पर ठीक है जी जैसे होना है सुफियान साहब। पर जब हैदराबाद बोलते हैं ना सर तो मुझे तिरुमलगिरी लाल बाजार हेवलक लाइंस वगैरह ये सारी याद आ जाती हैं। हाँ वो पैराडाइज भी याद आ जाती है आपको। हाँ पैराडाइज भी आ जाती है पैराडाइज की बिरयानी है बिरयानी है जी 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 जी। बहरहाल मेरे काफी दोस्त आपको बड़ा मानते हैं उसकी वजह है मैं उसकी वजह मैं बताते रहता था उनको कि भाई आपको कोई डाउट क्लियर करना है तो आप पीके सरोवाल से बात करें और उनसे लो मशवरा। मेरे ऑलमोस्ट 6 दोस्त डूब चुके हैं। उनको मैंने उनको बड़ा समझाया अगर घाटे खा चुके तो अभी भी संभालने के लिए कोई ना कोई तरीका हो सकता है। अभी मेरे पास सिर्फ अभी 2-4 दिन पहले ही मेरा बहुत अच्छा दोस्त मेरा दोस्त क्या मतलब मिलते कम है लेकिन एक प्यार है दूसरे के लिए वो अपने दोस्त के साथ मेरे पास आया था कि भी इसको बेचना है 10 दिन पहले क्लोजिंग हुई थी तो मैंने उनको बोला जाओ नहीं बेचना आपने नहीं बेचना। उनको मैंने लॉस कैलकुलेट करके दिया कि तुम्हारे को इतना लॉस होता है अगर तुम बेचते हो तो मत बेचो इसको रोक लो। तो वो कह रहे थे जी आप पहले जिन मिले जिन्होंने मुझे कह दिया कि रोक लो बाकी जिसको बोलता हूँ कहते बेच दो जिसको कहता हूँ तो बेच दो क्योंकि वो जो बेचने के लिए कह रहे हैं वो बाकी कैलकुलेशन नहीं कर रहे कि ब्रांड न्यू घर के ऊपर अगर आपने 10 दिन में बेच दिया तो आपको HST का कितना नुकसान होगा कैपिटल गेन में कितना नुकसान होगा और उसके ऊपर HST रिबेट के ऊपर क्या होगा और आपके खर्चे क्लोजिंग कॉस्ट ये वो उसके ऊपर कितना ये कैलकुलेट कोई करता ही नहीं है। वो कहते बेच दो अरे भाई ऐसे कैसे बेच दें अगर आप संभाल सकते हो तो उसको संभालो 1 साल के लिए। जी पीके जी और सारे कॉलर्स जो कॉल कर रहे हैं आपको मैं यही कहूंगी कि अपनी टर्न का वेट कीजिए। स्टूडियो का नंबर है 9052269109 9052269109। जी पीके जी जी सुफियान साहब ने अगर लाइन काट दी है तो बात जी हेलो जी वो लाइन पर ही है वो लाइन पर जी जी जी। तो सुफियान साहब कुछ और कहना चाहेंगे आप? कुछ यही कहना चाह रहा हूँ बस आप थोड़ा एक आखिरी एक डेडलाइन बता दें कि बायर का अभी और कितना वेट करना पड़े। अब नहीं वेट करो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था अब आपकी वेट खत्म है बायर की अब आप सीरियस हो जाओ खरीदने में क्योंकि आप लास्ट मोमेंट तक अगर वेट करोगे तो कब मार्केट ऊपर जानी शुरू हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा आपकी चॉइस खत्म हो जाएगी। जो छांटते हैं ना तो मार्केट उठने के जी मार्केट उठने के चांसेस सर पहले तो रुकेगी। अभी जो RBC ने जो कहा है जो RBC की जो रिपोर्ट अभी आई है अब उससे पहले बैंक ऑफ कैनेडा ने जो कहा है कैनेडा सप्लाई एंड डिमांड प्रेशर्स आर ईजिंग मार्केट रियली नियरली बैलेंस्ड। तो अब ये जो है जो RBC ने जो कहा कि फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2023 के अंदर जो है ये कुछ बढ़नी शुरू हो जाएगी तो ये सम रिकवरी वर्ड उन्होंने यूज किया सम रिकवरी स्टार्ट हो जाएगी तो उससे वहां तक वेट मत करिए ना तेजी होने की। अभी जो मार्केट इस वक्त है यहां से आप शुरू कर दीजिए। अभी तक मैं लोगों को कह रहा था बाहर से रुक जाइए जल्दबाजी मत करिए अब मैं कह रहा हूं अब सीरियस हो जाइए। अच्छा अब जो मार्केट का जो हाल है तो आप बोल सकते हैं ये क्रैश हुआ है मार्केट? ना क्रैश का मतलब सर प्री पेंडेमिक लेवल से अभी भी प्राइस बहुत ऊपर है। 43% प्राइस बढ़ने के बाद अगर 19% प्राइस गिर जाता है तो क्रैश कहां से हो गया? अभी भी बहुत ऊपर है। अभी भी मार्केट 2020 से पहले की मार्केट से 17-18% ऊपर है 20% तक कई एरिए में ऊपर है तो क्रैश का तो मतलब ही नहीं उठता। क्रैश तो तब माना जाएगा ना सर जब 2020 से पहले की मार्केट से भी आप नीचे आ जाते हैं। नहीं आपका अंदाजा था पहले जी
जी अंदाजा बहुत पहले आपका अंदाजा था कि मार्केट क्रैश करेगा, क्योंकि इससे पहले भी आपने बहुत साल पहले आपने बताया था कि मैंने उस टाइम पे भी बताया था, तो मैं वेट कर रहा था कि मार्केट क्रैश होने का। नहीं मैंने 20% सर कहा था, 20% ही बहुत बड़ी मार्केट गिरती है, ये 20% ही गिरी है ना, ये 19% 20% कहा था तो ये बहुत बड़ी गिरी है, लेकिन बच इसलिए गए कि मार्केट 40% 42% 43% तक बढ़ गई थी। इसको कुछ लोग क्रैश मानते हैं पर मैं इसको क्रैश नहीं मानता। ठीक है सर जी, बहरहाल ठीक है, बहरहाल खुशी हुई आपसे काफी टाइम के बाद बात। थैंक यू वेरी मच सुफियान साहब, कभी पैराडाइज बिरयानी खाओ तो हमें भी बुला लेना। देखिए अभी हालत तो खराब है जी, मैं वेकेशन का प्लान तो कर रहा हूँ, अगर जाऊँ तो फिर आपके लिए ले आता हूँ वहाँ से। जी जी वहाँ से तो खैर नहीं आएगी, मैं तो मजाक कर रहा, यहाँ पर भी बड़ी अच्छी बनती है, मैंने भी बिरयानी नहीं, नहीं, नहीं आजकल इंटरनेशनल लोग पैकिंग कर रहे हैं, जैसे हैदराबाद की हलीम है वो सारी चीजें अमेरिका भी आ रही है, तो आजकल पैकिंग अच्छी हो गई है कि आपकी। कल मैंने खाना खाया फितूर रेस्टोरेंट है यहाँ पर हार्टलैंड के ऊपर, मुझे वाकई हिंदुस्तान की याद आ गई वहाँ खा के, मैंने वहाँ पर खाना उन्होंने बड़े प्यार से खिलाया, धीरेन मालिक है उनके, उन्होंने बड़े प्यार से मुझे खाना खिलाया कल फितूर रेस्टोरेंट में, दिल खुश हो गया खाना खा के। मेरी वाइफ ने कहा कि पहली बार मुझे ऐसे महसूस हुआ कि मैं इंडिया में खाना खा रही हूँ। कहाँ पे? फितूर ये आपका हार्टलैंड सेंटर में, गूगल कर लीजिएगा, बड़ा मजा आया मुझे खा के, बड़ा अच्छा लगा जी। चलते हैं देखते हैं एक दिन, उधर भी लगा लेते हैं। राजस्थान का मैंने खाना खाया लाल मांस, तो वो भी बड़ा मजा आया, और मैंने बिरयानी और नान वगैरह बाकी चीजें खाई तो वो भी बड़ा मजा आया, बड़ा अच्छा लगा खाना। बहुत मुद्दों बाद मुझे पहली बार रियलाइज हुआ कि खाना इंडियन टाइप बिल्कुल, जो हम इंडिया जाके जो भी इंडिया का खाना मिस करते हैं वो मैंने कल इसको। और बड़ी छोटी सी बात, मतलब जो नींबू पानी जो होता है वो भी मेरे को वैसे ही लगा जैसे वहां पर, एक जब जाते हैं यूपी में तो जैन चिलंज भी बड़ी मशहूर है वहां पर, तो उसकी याद आ गई पी के। नहीं बस आप थोड़ी दुआ करें हमारे लिए, बस मेरा भी प्रोग्राम है क्योंकि मैं भी शेफ हूँ, और बहुत जल्दी मैं आपको ये सरप्राइज दूंगा, और आपको इंशाल्लाह आना पड़ेगा और देखना आप। हाँ मेरे को आपको करेंगे, मैंने आपसे इसके बारे में थोड़ी सी बात करनी है, आप जरा मेरे को टेक्स्ट मैसेज डाल के नंबर देंगे, मैं आपको कॉल करूंगा, शेफ लिख दीजिएगा, मैंने आपसे कुछ बात करनी है। ठीक है जी, ओके सर, ओके जी। माई जी जरा आपके फायदा है, हम बात करते करते कहाँ हैदराबाद पहुँच जाते हैं। जी जी जी, कहाँ बिरयानी से कहाँ लाल मस कहाँ राजस्थान पहुँच जाते हैं। ठीक है जी, जी ये बड़ा फायदा है भाई मीडिया का। जी बिल्कुल पीके जी, और बाकी कॉलर्स जो कॉल कर रहे थे जिनकी कॉल ड्रॉप हो गई, अब आप कॉल कर सकते हैं, स्टूडियो का नंबर 9052269109 है, 9052269109। पीके जी से अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, नंबर एक बार फिर से बता रहे हैं 9052269109। एंड पीके जी बातें चल रही थी यहाँ पे इंटरेस्ट रेट की, तो मेरा अगला सवाल आपसे होगा कि रियल एस्टेट पे क्या असर पड़ेगा इंटरेस्ट रेट का? हाँ बस असर पड़ेगा, अभी थोड़ा सा मैंने अभी जैसे डिस्कस किया, मुझे लगता है कि 1-2% और ये प्राइस गिर सकता है। बस अभी एक आध महीने के अंदर, जुलाई तो आ ही गया एंड बस 1-1.5 महीने के अंदर बस ये फाइनली मुझे नजर आ रहा है, मेरा मन ये कहता है ये एडजस्टमेंट होगी, कोई रोक नहीं सकता। एक तो इमिग्रेंट्स इतने आ रहे हैं उनको चाहिए, खरीद नहीं सकते तो उनको किराए पे चाहिए, किराए भी अगर चाहिए तो किराए के लिए इन्वेस्टर चाहिए, जो खरीदेगा तभी तो किराए पे देगा। ऊपर से अभी सीएमएसए की जो रिपोर्ट आई है कि हाउसिंग स्टार्ट्स जून के अंदर 3% माइनस हो गए, 3% कहने में बड़ा कम है लेकिन देखिए जब 3 लाख घर बनते हैं उसका 3% कितना हो जाता है, 9,000, कुछ कम नहीं है। हाउसिंग स्टार्ट्स फेल 3% इन जून, ये भी तो स्केसिटी हाउसिंग की होगी ना आगे जाकर, तो उसके बाद एक रुकने की भी हद होती है ना, उसका धीरे धीरे आदमी उसको मान लेता है। वो कहते हैं ना कि एक कहावत थी कि भाई एक लड़की की शादी हुई किसी गवाले के घर, उनको वो तजर्बा नहीं था, तो उसने अपनी मदर को कहा कि माँ मुझे यहाँ पर ना गाय भैंसों की बहुत स्मेल आती है, मैं बड़ी परेशान हूँ। तो उसकी मदर ने कहा कि कोई बात नहीं, तू बस तू देख 2 महीने के अंदर तेरी स्मेल खत्म हो जाएगी। कैसे हो जाएगी कहती, तेरे को बता दूंगी। वही हुआ, 2-3 महीने बीते तो मदर ने पूछा कि वो गाय भैंसों की स्मेल खत्म हुई? कहती हाँ, ये कैसे हो गया? कहती है खत्म नहीं हुई, तुझे आदत पड़ गई वहां रहने की। समझ आई मेरी बात माई आपको जी, कि
स्मेल खत्म नहीं हुई थी, पर वहां रहने की आदत पड़ गई थी। तो बात ये होती है कि ये जो एक आदत पड़ने वाली बात है ना, ये भी मार्केट को वापस लेके आती है, मार्केट वापिस जाती है, आदमी यूज हो जाता है, क्योंकि हमें गंदी आदतें पड़ चुकी थी 1% 1.5% में ब्याज में पैसा लेने की, तो हमें अब 4% बहुत महंगा लगने लग गया, क्योंकि हम वो भूल गए जब 6% इंटरेस्ट था तो हम कहते थे बहुत सस्ता है, जब 18% से इंटरेस्ट रेट कम होकर 4%, 5%, 6% पे आया तो हमने कहा ये तो बहुत सस्ता हो गया। अब वही 6% क्योंकि महंगे से नीचे आया था सस्ता हो गया, अब वही 4% सस्ते से ऊपर जा रहा है, हम कह रहे हैं बड़ा महंगा हो गया। ये आदत वाली बात है, ये आदत पड़नी शुरू हो गई लोगों को, यूज तो होने शुरू हो गए, जो नहीं कोप अप कर पा रहे वो बेच रहे हैं, वो छोटे घरों में जा रहे हैं। अल्टीमेटली एडजस्टमेंट तो होनी होनी है ना, ही वो एडजस्टमेंट हो रही है और वो ज्यादा लंबा टाइम नहीं है अब। जी जी बिल्कुल पीके जी, और आप जिस तरीके से एग्जाम्पल देते हैं और स्टोरी बताते हैं ना, उसके बाद तो और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग जो है वो हो जाती है। तो पीके जी, फिर जो इतना कंफ्यूजन चल रहा है मार्केट में, तो फिर अब आप क्या कहेंगे कि मतलब एक नॉर्मल जो कंज्यूमर है वो क्या करे इस सिचुएशन में? नॉर्मल इंसान जिसने घर बेचना है तेजी का इंतजार ना करे, बेच दे। जिसने घर खरीदना है गिरने का इंतजार ना करे, खरीद ले। दोनों के लिए सलाह है बैलेंस्ड जो एस्पेक्ट है रियल एस्टेट का वो फुलफिल करें। गवर्नमेंट की मदद भी साथ में होती है, वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं क्योंकि कंज्यूमरिज्म कम हो, शॉपिंग फजूल खर्चियां वेकेशन ये चीजें कम कर दें ताकि आपकी बाइंग कम होगी, इन्फ्लेशन अपने आप कम हो जाएगी। नए कपड़े खरीदने तो कुछ दिन के लिए रुक जाओ, नई गाड़ी खरीदने कुछ दिन के लिए रुक जाओ, ज्यादा गाड़ी चलाने कुछ दिन के लिए रुक जाओ, जी अपने आप इन्फ्लेशन नीचे आ जाएगी। जी एमपीके जी, के मामले में जो बायर है जी वो रुके ना खरीदे, जो सेलर है वो रुके ना वो बेचे, अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा और ये राइट टाइम है हिट करने का। जी एंड पीके जी, कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, इनसे भी बात करते हैं। हेलो, आप ऑन एयर है। हेलो सबरवाल जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर। सबरवाल जी, मेरे को लगता है कि कम से कम 1% बढ़ाएंगे, भले ही वो ये दो बार में बढ़ाएं या एटलीस्ट एक ही बार में बढ़ा दें। और दूसरा सवाल ये है कि ये जो असाइनमेंट वालों में कोई कमा भी रहा है या सब गंवा रहे हैं, या उनमें से उनमें से कैसे डील लिया जाए? थैंक यू सो मच जी, मैं ऑफलाइन सुनता हूँ। देखिए, पहली बात तो 1% जो आपने उसको आपने खुद ही करेक्ट कर दिया कि एक बार में नहीं तो दो बार में, यस एक बार में सितंबर में नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी बड़ा हाहाकार मच गया, उनको बड़ा कुछ सुनने को मिला, एक बार में तो नहीं होगा। मैंने अभी कहा 90% चांस है 50 basis points 7 सितंबर को, और 10% चांस है 75 basis points। अब रही भाई 1% की, मैंने साथ में ये भी कहा था उसके बाद चांसेस नहीं है, लेकिन हालात अगर हाथ से बात हो रहे हैं तो शायद वो 0.25% फिर बढ़ा दें अक्टूबर में, तो ये बात मैंने कही थी। तो हमारे विचार मिलते हैं, दोनों की बात हमारी एक लगती है। जी बाकी रही बात असाइनमेंट की, असाइनमेंट जिन्होंने पुराने खरीदे हुए हैं, कम से कम जिन्होंने 2 साल पहले बुक किए थे, उनको असाइनमेंट लॉस नहीं है बिल्कुल भी बेचने में। अगर वो क्लोजिंग नहीं कर पा रहे बेच दीजिए, रीजनेबल प्राइस मांगिए, रीजनेबल प्रॉफिट मांगिए, बेच दीजिए। लेकिन अगर आप लालच में हैं तो ये ना हो कि आपको लोन भी ना मिले और बैंक और लेंडर भी आपको असाइनमेंट अलाउ ना करे, क्योंकि उन कई लेंडर्स की पॉलिसी होती है 60 डेज की बिफोर ऑक्यूपेंसी, ये ना हो 60 डेज से कम रह जाए, वहां पर आप असाइनमेंट ना कर सकें और यहां पर आप क्लोजिंग ना कर सकें। तीसरी बात, जिन लोगों ने इमीडिएट परचेज किया हुआ है अगर वो असाइनमेंट जा रहे हैं उनको घाटा हो सकता है, क्योंकि उनके प्राइस इतने बड़े नहीं थे जितने गिर गए। आई एम सो ग्लैड टू से मेरा एक भी क्लाइंट ऐसा नहीं है जो घाटा खाएगा और अच्छा प्रॉफिट खाएगा, क्योंकि मैंने फास्ट क्लोजिंग में कोई रिसेंटली मैंने काम ही कम कर दिया। आते हैं मैं कहता ना मैं बेचता ही नहीं, वो कहते फलाना बेचते, मैं कहता मैं बेचता ही नहीं, बेचूंगा वो जिसमें मेरे को कॉन्फिडेंस है, क्योंकि आपको नुकसान है भाई साहब तो मेरे लिए शर्म की बात है। तो अगर मैंने और बाकी रियल्टर ने ये बात सोच ली तो घाटा हो ही नहीं सकता। असाइनमेंट के बारे में मेरा ये विचार है, अगर आप देख रहे हैं कि मोटिवेटेड सेलर मिले और वो असाइनमेंट के अंदर मरे हुए प्राइस के अंदर बेच दे, तो अगर आपके पास ये 2 चीजें हैं तो मुझे बता दीजिए, मैं आपको प्रॉफिट कमा के दे सकता हूं। अगर आपके पास फुल बाइंग की कैपेसिटी है, अगर आप असाइनमेंट के अंदर उसका डिपॉजिट
और प्रॉफिट इमीडिएट देने की आपकी ताकत रखते हैं तो आपको मैं मोटिवेटेड बायर लाके दे सकता हूं, हम भी खरीदते हैं। अगर आप कह रहे जी मेरे पास डाउन पेमेंट 20% से ऊपर नहीं है और बाकी मैं बैंक के भरोसे बैठा हूं, तो असाइनमेंट में आपको मोटिवेटेड बायर नहीं मिलेगा, क्योंकि मोटिवेटेड सेलर नहीं मिलेगा, क्योंकि मोटिवेटेड सेलर को आज पैसा चाहिए। उसके लिए अगर आपके पास 50% तक का डाउन पेमेंट है बाकी बैंक से, या फिर वो अभी लेके फिर एक साल रुक के बाकी बैंक से ले देंगे, तो कई मेरे ऐसे क्लाइंट हैं जो कि कैश देके मोटिवेटेड सेलर से सामान उठा रहे हैं, उनको असली प्रॉफिट मिल रहा है। वो कहते हैं ले सारा पैसा उठाओ हमें दे दो आज प्रॉपर्टी, तो वो प्रॉफिट ले रहे हैं, सबने कमाए हैं, तो उसमें दोनों को फायदा है। बायर को तो फायदा हुआ ही हुआ, सेलर को भी फायदा हो गया कि उसको पैसा आज मिल गया। लेकिन अगर आप कहते हैं कि 10% 15% 20% मैं देना चाहता हूं और मेरे को मोटिवेटेड सेलर मिल जाए, सर मोटिवेटेड सेलर आप तक पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि आपसे पहले बायर बड़े सॉलिड बैठे हुए लेने वाले हैं, ये मेरा मानना है। ठीक है सर, आप रेडियो में मुझे मत बताइए, मुझे बाद में टेक्स्ट मैसेज डाल के अपना नाम बता दीजिएगा, आपको कॉल करेंगे एंड आई कैन गाइड यू प्रॉपरली। भाई जी अच्छा लगा बात करके, कोई और है तो बताइए कॉल, नहीं तो इसको रैप अप करते हैं। जी 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 बिल्कुल पीके जी, सारे कॉलर्स जो थे उनसे हमने बात कर ली है और डेफिनेटली अगर उनका कोई सवाल होगा तो हम आपका नंबर बताते रहते हैं कि आपसे जरूर पूछे रियल एस्टेट का कोई सवाल। पीके सबरवाल जी, तो मैं जाते जाते बताना चाहता हूँ, इस वक्त हम लोग द डिजाइन डिस्ट्रिक्ट एम्बलम बहुत अवार्ड्स मिले हुए हैं इस बिल्डर को, और इस बिल्डर ने बड़ा काम किया है और 3.3 बिलियन की डेवलपमेंट इन्होंने की है और अंडर डेवलपमेंट इनके 4,300 यूनिट्स आ रहे हैं। और आपको याद होगा एक 1 जार्विस 2 महीने के अंदर अंदर पूरा प्रोजेक्ट बिक गया था इनका, ये वही बिल्डर है जिनका ये द डिजाइन डिस्ट्रिक्ट हैमिल्टन में आ रहा है। ये मिलेगा नहीं मैं बता रहा हूँ, हमें कॉन्टेक्ट इमीडिएटली कर दीजिए, हम आपकी मर्जी का यूनिट आपको दे देंगे एंड आप इसके लिए हमें कॉन्टेक्ट कर लीजिए। हैमिल्टन के अंदर बहुत बढ़िया लोकेशन है, द डिजाइन डिस्ट्रिक्ट की प्राइस बड़े अच्छे हैं, हमें आज यूनिट्स वगैरह मिल रहे हैं, लेट मत होइएगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस है। इसमें तो बल्कि लुई वुइटन का पर्स भी मिल रहा है जी परचेज के साथ, लुई वुइटन का, क्योंकि ये डिजाइन भी इस बिल्डिंग को लुई वुइटन ने किया है। तो ये आप इसके लिए कॉन्टेक्ट कर दीजिए हमारे को 6472994757, आई रिपीट 6472994757, और यू कैन विजिट teamsabarwal.com। थैंक यू वेरी मच माई जी, थैंक यू पीके जी शो पे आने के लिए और सारे लिसनर्स के सवालों के जवाब देने के लिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू बाय।